मैं उनके चैलेंज को स्वीकार कर चुकी है। बहुत परेशान है, थक गया है ना तू? बचपन से यही देखा है, परेशानी में तू गलती कर बैठता है और फिर पछताता है। तू चाहे जो कहे, मैं जानती हूँ तू इस परिवार को चाहता है और तुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता। बेटा एक बात ध्यान से सुन, परेशानी से डर मत, उसे देख गौर से, वो कुछ सिखाने आती है। ऐसा सोचा कर हल निकलेगा, मन शांत होगा तो हर मुश्किल का हल सामने होगा और इस परिवार के लिए जो सही है वो तू ही करेगा। आपके बेस्ट फ्रेंड का दिमाग फिर गया है, उसने मुझे जलील करने के लिए यहाँ बुलाया और हमारे साथ एक खेल खेला है। उस कमरे में एक कैमरा छुपा के रखा हुआ है, ये देखिए। वाह, तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है और मैं एक स्टूपिड सी पार्टी के लिए रो रही हूँ। क्या सच कहने का ठेका सिर्फ तुमने और फेरी वाली ने ले रखा है? ये है सच। फंस चुका हूँ मैं छोट मोट की शादी में। मैंने तुझे कोर्ट में बताया था ना, सिर्फ दादू को बचाने के लिए शादी की है मैंने मिठाई से। अगर ये सबूत कोर्ट के सामने आ गया तो फिर क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिठाई को ऐसा तरीका मिला है जिससे बहुत जल्द हमारे पास भी पैसा होगा। बस आपको एक नई कंपनी बनानी होगी और हम सबका साथ देना होगा। माँ, रास्ता नजर आने लगा है। मुन्नी सुपर फास्ट मिठाई डिलीवरी सर्विस, घुमाओ पहिया कमाओ रुपया, घर घर पहुंचाओ आलू जलेबिया। मुन्नी सुपर फास्ट मिठाई डिलीवरी सर्विस, एक आपकी साइकिल और दूजी दत्तू की मिठाई, घुमाया पहिया और घर पहुंचाई मिठाई और जेब में आई आपकी कमाई। कहते थे लोग जो मौसी काकी दीदी ताई जी, अब घर घर पहुंचाएगी मिठाइयाँ मुन्नी सुपर फास्ट डिलीवरी। घर में पूजा हो, बच्चे का जन्मदिन हो या फिर मौका हो कोई भी, मुंह मीठा कीजिए मिठाई की मिठाई से। जय गोपाल। माताजी, कितनी बार जा रसोई में मैंने खाना बनाया हो पर आज ऐसा लग रहा है प्रसाद बनाए। अरे इंदु, ये अन्नपूर्णा की रसोई है, देखना इसी से तेरी बेटी की ना नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बरसंते मेरी मिठाई को एक ही सपना, आज वाकी शुरुआत है रही है। देखे दादू आपने, हमने कितनी मिठाइयां बनाई, ये रहा हमारा स्टॉक, आज हमारा पहला दिन है। तो मैं बता दूं, अगर ये सारी मिठाइयां नहीं बिकी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन सबको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई फ्रिज या कोई दूसरा साधन नहीं है। पर मिठाई के पिताई तो मटके के ठंडे पानी में मिठाइयां रख देते हैं और खराब नहीं होती। लेकिन इंदु, उस समय इतनी सारी मिठाइयां नहीं बनती होंगी ना। शुभम सही कह रहा है, वैसे भी मैं ग्राहकन तक ताजी मिठाइयां पहुंचाने में विश्वास रखता हूं। तत्तु, गोपाल हमारे बिजनेस पार्टनर है और वो अपने बिजनेस में नुकसान थोड़ी ना होने देंगे। गोपाल बचाओ अपने बंसे कि जितनी मिठाइयाँ बनी है वो सब बिक जाए और इतने ऑर्डर ना आ जाए कि मिठाइयाँ कम पड़ जाए। लगता है कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी मिठाई ने, सोचा था कितने सारे ऑर्डर आएंगे। बेटा मिठाई
जो गोपाल जी पे भरोसा करे ना, वो हिम्मत ना हारे। विश्वासम फलदायकम संशय विनश्यति। तो ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, वृंदावन में कुछ तो हुआ है। इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है वृंदावन से। फेमस पब्लिशर मोहन त्रिवेदी की बेटी गुनगुन त्रिवेदी बोरवेल में फंस गई है। रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से बच्ची को बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये हादसा है या किसी की गहरी चाल? हे गोपाल, ये बेचारी बच्ची बचेगी कैसे? इसके घर वाले कितने परेशान होंगे ना। बेटा वृंदावन में गोपाल जी की नगरी में गोपाल जी वहां की रक्षा करेंगे, बचाई लेंगे। हाँ दादू, क्या करे, हमारी मिठाइयां तो खराब हो जाएगी। तेने कहीं भी शुभम, अब फ्रिज तो है ना, तो बेटा कहा कर सके। दादू, मिठाइयां खराब होने से अच्छा है कि हम इन्हें गरीबों में बांट दें। पहला ऑर्डर आ गया। अरे कागज पेन, कागज। गोपाल की कृपा बरस पड़ी, देखा कितने ऑर्डर आने लगे। गोपाल जी, मेरी मिठाई अपने पिता को सपना पूरा करवा जा रही है, आगे सर पे अपना हाथ बनाए रखी। बेटा मिठाई, हाँ? मेरे पास 5 ऑर्डर आए गए। 6 मेरे पास भी है। और मिठाई के पास हो गए ना? बेटा मिठाई, तेरे पास 1 मुन्नी है और ऑर्डर है 20, और अभी तो दिन की शुरुआत है, कैसे करेगी? दादू, 10 तो मैं डिलीवर कर दूंगा। आस पड़ोस में वो ही सब जाने, वहां मैं दे आऊंगी। मैं नहीं इंदु, हम चले जाएंगे। ना बेटा, देख काम करती रहूंगी ना तो बीमारी भी डर के भाग जाएगी। हाँ चलो, अभी के तो ऑर्डर हो जाएंगे, पर और आए तो। अरे मिठाई, ये ऑर्डर तो थमी ना रहे, तेरे पास मुन्नी है 1। अरे तैने वो साइकिल वन बारह पोस्टर लगाया कि ना है? हाँ दद्दू, हर जगह लगा दिया था। अरे तो फिर आए क्यों ना है?